बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पाकिस्तान में स्कोप कितना है। दोस्तों, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है। आजकल कंप्यूटिंग का दौर है तो हर कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का मोहताज है। दोस्तों, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपको इस काबिल बनाती है कि आप कंप्यूटिंग से रिलेटेड हर एक फील्ड की ना सिर्फ एप्लीकेशन बना सकते हैं बल्कि करंट एप्लीकेशन को जदीद तरीके से अपग्रेड कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी के इस दौर में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसी डिग्री बेहतरीन स्कोप फराहम करती है। अगर आप भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपने ये वीडियो मुकम्मल देखनी है। दौरे हाजिर में कंप्यूटिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिमांड बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे तरक्की हो रही है वैसे वैसे कंप्यूटिंग आगे बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है। दोस्तों, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रही है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एप्लीकेशन का इस्तेमाल वैसे वैसे बढ़ रहा है। जो मेन पर्पस है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, वो कम्प्लेक्सिटी को कंट्रोल करना है और ऐसे मौके फराहम करना है जिससे आपका काम, आपकी कैलकुलेशन, आपकी मार्केटिंग ईजी और रिलायबल हो। दोस्तों, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एक्सपोर्ट है वो 0.8 बिलियन से 2.1 बिलियन तक पहुँची है सिर्फ 8 या 9 सालों में। ये पाकिस्तान में एक बेहतरीन राइज है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का। जैसे कि आप जानते हैं कंप्यूटिंग का दौर है तो ये बेहतरीन राइज है। अगर एवरेज सैलरी के हवाले से बात करें, सॉफ्टवेयर इंजीनियर एज ए इंटर्नी 50,000 से 80,000 तक महाना कमा सकता है। ये डिपेंड करता है सॉफ्टवेयर हाउसेज से, जो मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हाउसेज मुख्तलिफ पे आपको ऑफर करते हैं। तकरीबन एवरेज महाना 1 लाख तक आप कमा सकते हैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आप इसमें डेवलपर, डिज़ाइनर, मार्केटर और एसईओ इंजीनियर, सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियर काम कर सकते हैं और ख़ुद भी अपनी एप्लीकेशंस बना सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल पैदा होगा कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बनूँगा। दोस्तों, आप भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। अगर आप में हिम्मत, ज़रूरत, ताकत, शुजात, बहादुरी है तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। इसकी प्री रिक्वेजिट के हवाले से बात करें, अगर आप ICS, FSC प्री इंजीनियरिंग, FSC प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। लेकिन FSC प्री मेडिकल के लिए एडिशनल मैथमेटिक्स का कोर्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के दौरान लेना लाजमी होगा। अगर हम बात करें कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन कौन सी डिग्री हासिल करके बनता है, तो सबसे पहले BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BS कंप्यूटर साइंस। दोस्तों, सब कंप्यूटिंग की ही फील्ड्स हैं, ये सब कंप्यूटिंग की ही डिग्रीज हैं। अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्सेज के हवाले से बात करें, ये चंद अहम कोर्सेज हैं जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपनी डिग्री के दौरान पढ़ता है। इसमें फंडामेंटल प्रोग्रामिंग, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, डेटाबेस, लीनियर अलजेब्रा, सॉफ्टवेयर डिजाइन, आर्किटेक्चर, डेटा स्ट्रक्चर, कंप्यूटर नेटवर्क, सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग। दोस्तों, इसके अलावा और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आप डिग्री के दौरान पढ़ेंगे। पाकिस्तान की 5 बड़ी यूनिवर्सिटियां जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑफर करती हैं, इनके पास W कैटेगरी है, वो फास्ट है, नस्ट है, कॉम सेट्स है, बहरिया का इस्लामाबाद कैंपस है, PUCIT पंजाब यूनिवर्सिटी का लाहौर कैंपस है। दोस्तों, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आप डिग्री के दौरान ना सिर्फ पढ़ेंगे बल्कि सीखेंगे और इसके साथ साथ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स पर भी काम करेंगे, उसमें सबसे पहले जो लैंग्वेज आपको मिलेगी वो C++ है, JavaScript है, Perl है, Ruby on Rail है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, इसके अलावा Haskell है, Python है, PHP है। बहुत सारे फ्रेमवर्क आप डिग्री के दौरान ना सिर्फ पढ़ेंगे बल्कि प्रैक्टिकल काम भी करेंगे। दोस्तों, ये सारी लैंग्वेजेस को इस्तेमाल करके आप बहुत सारी एप्लीकेशन बना सकते हैं, जिसमें वेब एप्लीकेशन हैं, मोबाइल एप्लीकेशन हैं, इसके अलावा और बहुत सारी एप्लीकेशन हैं जिनको आप बना सकते हैं। दोस्तों, सारी लैंग्वेज को सीखकर जो आप मेन एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं उसमें विंडोज़ की एप्लीकेशन होगी, इसके अलावा तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि मैकिंटोश की एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, iOS की एप्लीकेशन, और इसके अलावा आप हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर के साथ कैसे मिलाते हैं वो भी सीखेंगे। मज़ीद मालूमात के लिए हमारी अगली वीडियोज़ को देखें। दोस्तों, अगली वीडियोज़ में हम जिक्र करेंगे कि आपके लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने के लिए बेहतरीन यूनिवर्सिटी कौन सी है। हम आपको तमाम तरह गाइडेंस फ्राहम करेंगे जिससे आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी का इंतखाब कर सकेंगे। दोस्तों, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है
और बेल के आइकॉन पर क्लिक करना है ताकि हमारी अगली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।